हाय गाइस, आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस हो जिसमें आपने कलर ऑयस 6 इंस्टॉल कर लिया है और अब आप उसमें बग हैं, जैसे हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी ड्रेन का इशू है, वो भी फिक्स नहीं हो रहा है। मैंने जो टिप्स जिनके ऊपर कल दो वीडियो डाली हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आप अपने डिवाइस को कलर ऑयस 6 से 5.2 पे कैसे डाउनग्रेड करें। तो गाइस आज की वीडियो उसी के ऊपर है, तो गाइस फटाफट वीडियो कर दें लाइक, और अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रहा है, हीटिंग इशू ज्यादा है और कुछ और भी बग हैं। चलिए गाइस, मेरा नाम नीतीश, आप देख रहे हैं ऑलटेक। चलिए गाइस करते हैं वीडियो को। सिंपली गाइस आपको कलर ऑयस 6 से 5.2 में डाउनग्रेड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दूंगा, जिसमें कि एक कलर ऑयस 6 का होगा और एक कलर ऑयस 5.2 का होगा। तो गाइस अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो वहां से रॉम को डाउन करके डाउनग्रेड कर सकते हैं। और गाइस अब बता दूं आपको क्या करना है आपको सिंपली डाउनलोड करने के लिए। सिंपली गाइस आपको सबसे पहले अपने डिवाइस का बैकअप लेना है, जिससे कि आपके डिवाइस की जो डाटा है वो लॉस ना हो। इससे अगर बिना बैकअप के ऐसा करेंगे तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। दूसरी बात, इससे आपका डिवाइस जो है वो कलर ओएस 6 से 5.2 पे चला जाएगा। तो गाइस ये कलर ओएस 6 से 5.2 पे जाएगा तो सिंपली आपका डाटा तो लॉस हो ही होगा। और गाइस इसमें आपको कोई भी अपने डिवाइस को रूट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई TWRP रिकवरी चाहिए। आप सिंपली जो मैनुअली इंस्टॉल रिकवरी आती है रियलमी की डिवाइस में कलर ओएस की, आप उससे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपकी डिवाइस में जो बग है, हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन का इशू, कैमरा बग कर जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, कुछ भी और जो बग्स थे कॉल वेटिंग्स का, कॉल उसको फिक्स करने के लिए आपको कलर ओएस 5.2 पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपको स्टेबल अपडेट मिलेगा तो गाइस आपको कलर ओएस 5.2 पे ओटी अपडेट आ जाएगा कलर ओएस 6 का, जो कि स्टेबल अपडेट होगा। तो गाइस आप वहां फिर से जा सकते हैं कलर ओएस 6 से। तो अगर आप तब जाएंगे ओटी के द्वारा तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, अगर आप मैन्युअली जाएंगे तो आपका गाइस डाटा लॉस होगा। सिंपली गाइस आपको रॉम को डाउन करना है। अब आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपका डिवाइस का डाटा लॉस ना हो। चलिए गाइस चलते हैं मोबाइल फोन पे। तो सिंपली गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो हैंडसेट है वो रियलमी 2 प्रो है। अब गाइज मैं आपको सेटिंग्स को ओपन करके बता दूं कि आपको क्या करना है। गाइज ये करता हूं अपनी सेटिंग्स को ओपन। अब आउटफोन में जाकर के आप खुद देख सकते हैं कि रियलमी 2 प्रो है, एंड्रॉयड 9 पाई और कलर ओएस 6 के साथ में इसको यूज़ कर रहा हूं। अब आपको उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है। सिंपली गाइज आपको अपने डिवाइस का पावर, पहले अपने डिवाइस को पावर ऑफ करना है। तो गाइज सिंपली मैं आपके सामने इसको पावर ऑफ करता हूँ। ये कि मैंने पावर ऑफ हो चुका है, थोड़ी देर वाइब्रेशन होगी, और जब ये पावर ऑफ हो जाएगा तो सिंपली गाइज आपको वॉल्यूम अप और डाउन का बटन, तो सिंपली गाइज आपको वॉल्यूम अप और डाउन का बटन एक साथ प्रेस कर रखना है। सिंपली गाइज ये किया मैंने एक साथ प्रेस, अभी डिवाइस बूट हो चुका है। जब बूट हो जाएगा तो 2-3 सेकेंड के बाद आपको पावर बटन छोड़ देना है, और जब ये आ जाएगा तो आपको वॉल्यूम बटन भी छोड़ देना है। अब सिंपली गाइस हमारा डिवाइस जो है वो कलर ओएस 6 की रिकवरी में चला जाएगा। तो गाइस सिंपली देख सकते हैं आप कलर ओएस 6 की जो रिकवरी है वहाँ पर हमारा डिवाइस चल बूट हो चुका है। बूट होने के बाद गाइस आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश। अब गाइस आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन कोई अपडेट नहीं आया, वाइप डाटा को इरेज करना चाहते हैं, डिवाइस को रिबूट करना चाहते हैं, पावर ऑफ और डिस्क को चेक करना चाहते हैं, और वर्जन कौन सा है। सिंपली गाइस सबसे फर्स्ट नंबर पे है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको आपके डिवाइस का जो स्क्रीन लॉक है उसको डालना है। यहाँ पर मेरा ये रहा, डाल दिया। अब आप देखेंगे कि आपकी डिवाइस में SD कार्ड है तो आप जो रोम है उसको SD कार्ड में रख सकते हैं या फ़ोन स्टोरेज में। तो गाइस मैंने फ़ोन स्टोरेज पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस ये रही वो जो मेरी कलर ओएस 6, मेरी तो गाइस कलर ओएस 6 की, आपको कलर ओएस 5.2 की डाउनलोड करनी है। जैसा मैं कर रहा हूँ आपको सिंपली वैसा ही करना है। सिंपली गाइस आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना और आपकी जो अपडेटिंग है वो चल पड़ेगी। ये करने के बाद गाइस आप सिंपल डिवाइस अपडेट होगा और आप कलर ओएस 5.2 पे चले जाएंगे। और अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका जो भी बैटरी ड्रेन का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा इस जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई थी। अगर फिर भी नहीं होता तो आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस प्लीज़ मेरे 500 सब्सक्राइबर होने में बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे 500 सब्सक्राइबर करवाने में मेरी हेल्प करें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ गाइज आपको लाइक करने
इस वीडियो पे जो लाइक का एम है वो है 20 लाइक्स का, तो प्लीज गाइज 20 लाइक्स करवाए। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी इंटरेस्टिंग होगी।